अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। शराब तस्कर गणेश व उसके परिवार की गतिविधियों पर पुलिस नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। टीपी नगर थाना क्षेत्र में इनकी गतिविधियों से हर कोई परेशान है। बनवारी वाटिका के लोगों ने इससे आजिज होकर अपने घरों पर प्लान के पोस्टर तक लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई न होती देख क्षेत्र के लोगों ने नई मंडी के दूसरे गेट के निकट आज धरना प्रदर्शन भी किया। इन लोगों का आरोप है कि टीपी नगर थाना पुलिस गणेश व उसके परिवार के आगे नतमस्तक है। कई बार पुलिस में इसका नाम आ चुका है, लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद गणेश व उसके परिवार का अवैध कारोबार फिर चल निकलता है। वर्तमान में उसकी बेटी सोनिया व परिवार परचून की दुकान की आड़ में चरस गांजा व अफीम बेचकर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। आज विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय नागरिकों ने यह आरोप लगाए। मामला ऐसा हुआ कि मोहल्ले में ही परचून की दुकान है, एक महिला है, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके दो बेटे हैं। वो उस परचून की दुकान से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, विधवा औरत हैं, और जो नशीला पदार्थ बेचते हैं गांजा चरस वगैरह दारू अफीम ये वो बेचते हैं। कौन बेचता है, क्या ये सांसी लोग हैं? नाम क्या है? सोनिया है। वो लोग बेचते हैं, पूरा परिवार यही काम करता है। उन लोगों से परेशान है सभी लोग। सभी लोगों ने प्लान के प्लस पोस्टर लगा दिए हैं मोहल्ले वालों ने कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से प्लान करना है। वो लोग अगर सामान ले लेंगे दुकान से उधार तो उसका कोई पैसा नहीं देंगे, अगर मांगेगा दुकान वाला तो उसे मारेंगे। पहले खुद मारेंगे, फिर लड़के बुला लेंगे, वो भी मारेंगे। उसके साथ अगर हिमायत में कोई उसे छुटाना जाता है तो उसको भी मारेंगे। पुलिस की अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस की भूमिका इतनी अच्छी है कि 24 घंटे में पुलिस नहीं पहुंची थी। थाने पहुंचे ये लोग, जो पीड़ित लोग हैं सब थाने पहुंचे। दरोगा जी बाहर भेज रहे हैं, बार बार बाहर जाओ, एप्लीकेशन चार बार फड़वा के दोबारा लिखवा रहे हैं अपने तरीके से कि मेरे तरीके से लिखो, मैं तुम्हारे तरीके से नहीं लिखूंगा। क्या नाम है दरोगा जी का? दरोगा जी का नाम क्या है उनका? उदयवीर। उदयवीर शायद उदयवीर है दरोगा जी। ऐसा था, SPCD साहब के कार्यालय पर हमें इसलिए खड़ा होना पड़ा। परसों जो है श्याम वाटिका जो थी वहाँ पर एक रात के करीब जो है रात को लगभग 10-11 बजे करीब महिला से अभद्र व्यवहार करा, उसकी दुकान में घुसकर उसके साथ हाथापाई करी। और वहाँ वो लोग जो है वहाँ स्मैक चरस वगैरह गांजा वगैरह बेचते हैं और फेमस हैं उस मोहल्ले के अंदर। तो उन्होंने मारपीट करी, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद पुलिस भी आई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये लोग तहरीर लेके स्थानीय चौकी पे गए, इरा मोल चौकी है वो, स्थानीय चौकी पे गए, चौकी इंचार्ज थे वे मेरे ख्याल। तो उन्होंने जो है वो तहरीर बार बार फाड़ी, तो ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो। उसके बाद कोई मुकदमा उन पर कायम नहीं हुआ जो हमारी संज्ञान में आया। और पुलिस जो है ना तो कल आई, परसों का रात का वाकया, ना कल सुबह आई ना दोपहर आई, रात तक कोई पुलिस वहाँ नहीं आई संज्ञान लेने। उसके बाद हमने SPCD साहब के संज्ञान में डाला, तब जाके पुलिस आई। उसके बाद भी वहाँ कोई कार्य नहीं आया। लोगों ने वहाँ खोप का माहौल है, लोगों ने जो है कह दिया भाई ऐसे ऐसे माहौल में हम नहीं रह सकते। तो उन्होंने जो है अपने शटरों पर, अपने दुकानों पर, अपने घरों पर जो है वो लगा दिया, दुकान बिका हुए हैं ये। भैया मैं रात के 10 बजे दुकान बढ़ा रही थी, तो मतलब कि वे सामान मांगने पिए हुए धुत्ता हो। कौन था? गोलू सांसी का लड़का। तो वो सामान मांग रहे हैं, मैं कह रही हूँ भैया मुझे पैसे दे, इसमें मैं उधार नहीं देने की, तूने फिर रखी तो फिर कल को नहीं देने का। मैं लगा मैं पैसे नहीं दूंगा तो मुझे तो उधार ही चाहिए, मगर मैं उधार नहीं देने की। इस टाइम मेरे बच्चे भी नहीं आए यहाँ पे, वे पढ़ रहे थे ऊपर कल पेपर था। तो उसने मेरा गिरवान पकड़ा, मुझे मारने को चला, तो मैंने आवाज़ मारी, लड़का आया उतर के, इधर से पड़ोसी का लड़का आया तो उसने कहा, तो उन्हें भी लपेट लिया, उन्हें भी मारा, मुझे भी मारा, और पथराव की बरसात करी बहुत बुरी तरह। और लड़के बुलाए उन्हें कितने सारे, फिर पुलिस हमने बुलाई। वे काम करते हैं जी शराब नशे का ना काम करते हैं, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। वैसे लोग बात करते हैं गांजा पंजा वैसे भी कुछ है भी उन्हें बेचते हैं, दारू पे चार दिन रात ऐसा पंजरपना तारते हैं, वहाँ सोने देते ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है, वहाँ पे दारू के काम होते हैं। कहाँ के रहने वाली हैं आप? टीपी नगर और बनवारी वाटिका। क्या मामला हुआ है, क्या घटना हुई आपके साथ? ये दुकान पर थी, सिगरेट लेने आए दारू पी के। वहीं SPCD विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए आपको जानकारी होगी कि पहले समय में इस प्रकार की शिकायतें आती रही हैं कि टीपी नगर के कुछ कुख्यात क्षेत्रों में नशे का कारोबार होता रहा है। और साथ साथ ये भी जानकारी है कि अब इसको पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। छिटपुट चोरी छुपे अगर कुछ लोग इसमें कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाती है। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं या इस कारोबार को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे, रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं, उनके विरुद्ध भी
काफ़ी दंडात्मक कार्रवाई की गई है, आपको सभी को जानकारी है। अभी परसों रात को एक ऐसी ही कारोबारी की बेटी के दुकान के लड़कों के द्वारा किसी दुकान में जाकर के अभद्रता मारपीट करे जाने का आरोप लगाया गया था। उसमें कुछ लोग मेरे पास स्थानीय लोग मिलने के लिए आए थे, मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत है, इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार को किसी भी तरीके से उसका दमन करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये उनका आह्वान करूँगा कि इस प्रकार की कोई भी सूचना आती है तुरंत हमारे नंबरों पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तुरंत रिस्पॉन्स होगा और इसके प्रति गंभीर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्षेत्रवासियों ने कुछ अपने घर के बाहर बनाए हैं मकान बिकाओ, किस तरह के पोस्टर भी लगाए हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। देखिए, आपने मुझे कुछ अभी फोटोग्राफ्स दिखाए थे और आपका कहना था कि ये वहाँ के लोगों के द्वारा किए गए, मैंने वहाँ पर लोगों से आह्वान किया है इस प्रकार की प्रवृत्ति मन में लाना उचित नहीं। जब पुलिस उनके पक्ष में खड़ी हुई है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है तो इस प्रकार की बातों का कोई उचित नहीं। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी FIR देखिए मैं आपको बताऊंगा, उस पर कुछ लोग नामजद हैं, कुछ अज्ञात भी हैं और संभवतः 3-4 लोग हैं ऐसे, लेकिन चूंकि 149 धारा लगी हुई है तो कम से कम 5 लोग घटना में शामिल थे, मारपीट वगैरह की जो हुई है उसकी घटना में शामिल थे। घटना मारपीट की हुई है और उसी की विवेचना की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।